जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज गीता जयंती है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व होता है। गीता में समस्त जीवन का सार है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की तिथि पर गीता जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म को समझाते हुए उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसे गीता कहा जाता है। गीता के उपदेश में जीवन जीने, धर्म का अनुसरण करने और कर्म के महत्व को समझाया गया है। गीता जयंती के दिन गीता के उपदेशों को पढ़ना, सुनना और बताए गए मार्ग पर चलना बहुत ही शुभ माना जाता है। गीता के कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसका प्रतिवर्ष जयंती मनाई जाती है। गीता को श्रीमद् भगवत गीता और गीतोपनिषद के नाम से जाना जाता है। गीता के उपदेशों को आत्मसात और अनुसरण करने पर समस्त कठिनाइयों और शंकाओं का निवारण होता है। गीता के अध्ययन से जीवन में सफलता प्राप्ति की जा सकती है। गीता के उपदेशों पर चलने से व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला, प्रबंधन और कर्म सब कुछ है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनज़र चार धाम सड़क परियोजना के लिए डबल लेन की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही पूर्व जज जस्टिस ए.के. सीकरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद डबल लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत न्यायिक समीक्षा में सेना के सुरक्षा संसाधनों को तय नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि हाईवे के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। वाराणसी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। इसके बाद वो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वो एक छोटे बच्चे को खिलाते हुए भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस पूरी प्रक्रिया में उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। राम रहीम ने इस याचिका में बेअदबी मामलों की जांच SIT के बजाय CBI से करवाने की मांग की है। सरकार द्वारा मामले की CBI जांच के आदेश वापस लिए जाने को भी चुनौती दी गई है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई 21 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। दायरा याचिका में डेरा मुखी ने कहा कि इस मामले में एक आरोपी के बयानों के बाद उन्हें पिछले साल इस मामले में नामजद कर लिया गया, फिर उनके प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए गए, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए SIT को सुनारिया जेल में ही जाकर उनसे पूछताछ करने के आदेश दिए थे। डेरा मुखी का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, इसलिए CBI को जांच दी जाए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल के 101 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मोगा में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में राज्य भर में ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज लुधियाना से मोगा रैली के लिए सरदार महेशविंदर सिंह गरेवाल के निर्देश में बसों को रवाना किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए आयोजकों ने कहा कि आज की रैली यह साबित करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अगले पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल होंगे। मैं बलविंदर डुलगे च वाइस प्रधान न्यू यंग वाल्मीकि फैडरेशन ते कौमी मीत प्रधान यूथ अकाली दल वालों अज हलका वैस्ट वार्ड नंबर 68 से सरदार महेशिंदर सिंह गरेवाल जी की अगवाई हेठ जिहड़ी हम बसा लैके जा रहे हैं ते असी सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं ते पूरे पंजाब वासियों नूं पार्टी के 100 साल की बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे आं ते असी सुखबीर सिंह बादल जी नूं भरोसा दिवाने आ कि जिहड़ा हलका वैस्ट आ सरदार महेशिंदर सिंह गरेवाल जी नूं जिता के विधानसभा च भेजांगे तो सुखबीर सिंह बादल जी पंजाब दा मुख्यमंत्री बनावांगे। ज़्यादा कुछ ना कहता है सारे जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। आज लुधियाना में BJP की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सूबे भर के अहदेदार शामिल हुए।
बीजेपी के पंजाब चुनाव इंचार्ज गजेंद्र शेखावत की अगुवाई में रणनीति बनेगी। इस मौके बीजेपी पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब में कभी भी किसी ने मुद्दों की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के संयम का जिक्र इतिहास में होगा। इस मौके बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ने लुधियाना में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काली सूची खत्म की है और 1984 के कत्लेआम में दोषियों को सजा दिलवाई है। इस मौके उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाने साधे। उन्होंने कहा कि 1984 दंगों में नामजद लोगों को कांग्रेस ने उच्च पदवी दी है। ए 75-25 वाले ने जी दोनों अकाली भी ते कांग्रेसी भी ए सत्ता च ने हुण 75 इन्हां दा 25 अकालियां दा एक दूजे दा काम सांभ लैंदे इन्हां दी पार्टनरशिप है। इस करके इत्थे इदां नहीं खत्म होणा। इत्थे भाजपा नूं लियाओ फिर देखो किवें माफिया खत्म हुंदे आ। अरे कित्थों बणना एक दूजे नूं, एक दूजे दे भागीदार ने, इदां क्यों पंजाब दे लोकां नूं गलत फहमी च पाउंदे हो? उहनां नूं तां फड़ांगे तां असीं फड़ांगे आ के, दूजे किसे ने नहीं फड़ना। हाँ, असली दोषी गुरु दियां बेअदबियां दे जिहड़े आ, जिवें 84 दे नसलकुशी दे दोषियां नूं जेलां च भेजिया ते इन्हां नूं भी भेजांगे जिहड़े असली दोषी होणगे। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਭਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸੇ ਹਮ ਸਭ ਏਕ ਸਾਥ ਇਕੱਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਕ ਬ੍ਰਹਤ ਕਾਰਿਕਾਰਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ अध्यक्ष तक के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता एकत्रित आए, और मैं इनके जोश, आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या, उनके जोश और उत्साह के आधार पर कह सकता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक नया इतिहास बनाएगी। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। मिशन स्माइल एनजीओ द्वारा आज लुधियाना के राहो रोड पर स्थित प्रीतम वृद्ध आश्रम में कीर्तन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके मिशन स्माइल एनजीओ की प्रेसिडेंट सोनिया छाबड़ा ने बताया कि आज उनके और उनकी पूरी टीम द्वारा घरों से लंगर बनाकर लाया गया है और कीर्तन के बाद लंगर वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य इन वृद्ध माओं के चेहरे पर खुशी लाना है। उन्होंने सभी लोगों से भी इन वृद्ध माओं के चेहरे पर खुशी लाने की अपील की है। उन्होंने इस मौके और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਮਾਲੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਛਾਬੜਾ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲ ਐਨ ਜੀ ਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਹੂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਸਹੀ ਪਰ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੰਗਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਬਸ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 2022 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜਮਾਈ ਸਮਾਈਲ 'ਚ ਜੁੜੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਫਨੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਬਿਰਧ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
बस मैं ही कहांगी कि तुसे सारे मिलजुल के ना खुशियां वंडिया करो, बस वादे ना करिया करो। स्माइल एक्चुअली राजनीति नाल नहीं जुड़िया होया, एक परिवार है मिशन स्माइल, तो सारे प्यारे प्यारे साडे मेंबर सारे जुड़ते हैं, तो एक सेवा भाव लैके असं चले हाँ। राजनीति तुसी कहिंदे कि 2022 आ रहा, साडा 2022 होवे ते 3022 होवे, यह जिहड़ा मिशन स्माइल का जिहड़ा सिलसिला है यह चलता रहेगा। असी रहिए ना रहिए, असी रहिए ना रहिए, तो खुशियां का जिहड़ा दौर है चलता रहेगा, असी वंडदे रहांगे, असी सेवा करदे रहांगे, हमेशा खुशियां वंडदा रहा, खुशियां वंडदा रहेगा और सब नू अपने नाल जोड़दा रहेगा कि सारे इदां ही खुश रहन हमेशा। हाँ जी हाँ, जो खुशी सानू इधर आके मिली है शायद वो सानू व्याह शादियों च भी जाके ना मिले, जो असीं इन्हां दे चेहरे ते खुशी देखी है उहदे दा कोई मुल्य नहीं है। चंगा हुण जे 2022 होवे 23 होवे तुसीं जरूर मिशन समाज नाल जुड़ो, पॉलिटिक्स इत्थे कुछ नहीं है, इत्थे सारे प्यार ही प्यार है, असीं प्यार वंड सकदे हां, प्यार दो बस, यही मिशन स्माइल खुशियां वंडो, असीं रहिए ना रहिए, ए दौर रुकना नहीं चाहिदा खुशियां वंडन दा, मिशन स्माइल रॉक्स ऑलवेज। और नवे साल च मैं ही अरदास करांगी बाबा जी सब दे घरां च खुशियां लैके आन और असीं नवे साल दे विच होर कुछ नवे प्रोजेक्ट्स असीं कर सकीए, आप सब जी दे सहयोग दी जरूरत है, तुसीं भी अपने मैनू इनबॉक्स कर सकदे हो आइडियाज अगर आपां किसे दे। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने आज लुधियाना एमसी और कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आप लुधियाना के लोकसभा प्रभारी अमनदीप सिंह मोही और पंजाब के प्रवक्ता अहबाब सिंह गरेवाल ने लुधियाना एमसी और सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार से 7 परियोजनाओं के बारे में सवाल किए, जैसे कि स्मार्ट सिटी परियोजना, अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रह, 4 नए परियोजनाएं इत्यादि। विवरण देते हुए मोही और ग्रेवाल ने कहा कि धूमधाम से घोषित स्मार्ट सिटी परियोजना एक बुरे सपने में बदल रही है, क्योंकि घोषित लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे। सराबा नगर बाजार पर 14.75 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद अंडरग्राउंड वायरिंग का घोषित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है और अब खराब डिजाइन के कारण बाजार में जल भराव भी हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सारे मीडिया वाले साथियों का जो तुसी बड़े शॉर्ट नोटिस से इतने आए हो, थोड़ा असी धन्यवाद करते हैं। जो अज की असी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जा रहे हैं, मेरे नाल राइट साइड से साडे जिला प्रधान सीए सुरेश गोयल जी, साडे लुधियाना देहाती दे प्रधान हरभुपिंदर सिंह धरौड़ जी, साडे लुधियाना जिला के सैकटरी शनपाल मक्कड़ जी, मेरे खब्बे वाले पासे साडे पंजाब के स्पोक्सपर्सन अहबाब सिंह गरेवाल जी, उन्होंने नाल साडे स्टेट के जॉइंट सैकटरी किसान विंग गुरजीत सिंह गेल जी, उन्होंने नाल साढ़े ऑफिस इंचार्ज मास्टर हरी सिंह जी, तो उन्होंने नाल असी सारे ही साथी जो अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जा रहे हैं, उसका मेन मुद्दा जो है वह है लुधियाना शहर। भी लुधियाना शहर के जो पिछलियां सरकार आई, पहला 10 साल अकाली दल की रही, हूँ 5 साल जो इन दे पूरे हो जा रहे ने कांग्रेस सरकार के, भी इन्होंने हुण तक की डिवेलपमेंट की आ। तो इस दे नाल ही असी जिहड़ी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस आ वह 7 मुद्दों पर करांगे, जिहदी प्रॉपर ब्रीफिंग पंजाब दे स्पोक्सपर्सन अहबाब सिंह गरेवाल जी करनगे, क्योंकि जदों लुधियाना शहर की असी गल करते हैं, लुधियाना शहर नूं बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, 100-100 करोड़ के प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ों के प्रोजेक्ट ऐलान किए जाते हैं, पर जिहड़ी लुधियाना शहर की हालत आ वह उवें दी उवें आ, खस्ता हालत आ, जिथे वह 1000 या 100 करोड़ लगने चाहिए ने उत्थे लग नहीं रहे, जिथे लोगों का जीवन पद्धर उच्चा चक्कण लई पैसे खर्चने चाहिए ने उत्थे खर्चे नहीं जा रहे, जिथे नहीं लोड़ पैसों की तो उत्थे एक महज एक ड्रामा करके तो उत्थे वधिया चीज़ नूं जिहड़ियां वधिया उत्थे टाइलां लगियां जां वधिया ऑलरेडी पहला ही सिस्टम सही आ उहनूं दुबारा पट के उहदे ते ही दुबारा पैसे वह खर्चे जा रहे, क्योंकि उत्थों उहनां नूं मोटी जिहड़ी आ शहर के लीडरां नूं कमाई हुंदी आ। ते इस दे नाल ही जिहड़े साडे 7 पॉइंट ने उहदे ते सब तो पहला तो मैं पहले पॉइंट की गल करूँगा, जिहड़ा हैगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अज तक ना तो साढ़े इतने जिहड़े लीडर ने उन्होंने ना इतने मेयर ने कारपोरेशन ने अज तक एक भी यह जिहा मुद्दा नहीं दस्या जां क्लीयर नहीं किया, जिहड़े स्मार्ट सिटी नूं अज तक किन्ने पैसे आए ने, किन्ने सेंटर गौरमेंट ने पैसे भेजे ने जां किन्ने पंजाब सरकार ने पाए ने, तो पैसे कित्थे लगे ने। उस तो बाद जिहड़ा दूसरा मुद्दा वो हैगा जो इन्होंने ऐलान किया सॉलिड वेस्ट जिहड़ा मैनेजमेंट प्लांट असी लावांगे, वो अज तक उहदा कोई नौंथ है नहीं। इहदे नाल उन्होंने 2 होर प्लांट कहा सी, कंस्ट्रक्शन जिहड़ा वेस्ट हुंदी उहदा प्लांट होगा, एक होर प्लांट सी जिहदी डिटेल जानकारी अहबाब सिंह गरेवाल जी देणगे। उस तो बाद जिहड़ा तीसरा पॉइंट आ
जिहड़ा लुधियाने का गारबेज डंप आ वो सब तो वड्डी समस्या वा जिहड़ा गारबेज डंप आ कोई सल्यूशन नहीं हैगा लुधियाने दे विच। इन्हां ने ऐलान किया सी असीं इक प्रोपर जगह बना के उत्थे उह डंप बनावांगे। उस तो बाद जिहड़ा चौथा प्लांट आ वायरिंग होनी सी वह नहीं हुई, पानी खड़ा होण लग गया, उत्थे कदे नहीं पानी खड़ा हुंदा सी। 4.5 करोड़ ते इन्हां ने वॉकवे बनाए ने नहर दे नाल दो, उन्हों का कोई तुक नहीं बनती कि किन्ना किन्ना खर्चा होया। उदू अलावा मल्हार रोड च पार्किंग रखी कोई नहीं, स्ट्रीट्स उहदा दस रहे नहीं कि किन्ने पैसे लग रहे हैं, सड़क छोटी करती, किसी तरीके की पार्किंग नहीं है तो जाम लगन लग गए। ये तो हालत है कि जिहड़ी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो मिसमैनेजमेंट चल रही है। उदू बाद मोही जी ने कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जिहड़ा लगना बहुत जरूरी सी, बड़े जोर शोर नाल अनाउंसमेंट हुई सी, उहदी कोई खबर नहीं। तो उहदे करके इन्होंने दस्सिया जिवें कि कक्के पिंड च इन्नी गारबेज है, इन्ना गंद इकट्ठा होया होया जिहदा नुकसान आम लोगों नूं सहना पै रहा है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाबा तेजिंदर पाल सिंह जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के दशमेश कॉलोनी लोहगढ़ जीरकपुर में जय बाबा बालकनाथ जी की चौकी और अटूट लंगर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कवरेज आत्मा चैनल फास्ट वे 425 नंबर द्वारा की जाएगी। बाबा बालकनाथ जी, मैं आपका शर्मा दलवाइन बाउंसर सर्विस चंडीगढ़ से। बहुत ही खुशी की बात है, 19 दिसंबर को 8 बजे से 2 बजे तक दिन में बाबा बालकनाथ जी की चौकी कराई जा रही है, जो कि हाउस नंबर 198 दशमेश कॉलोनी लोहगढ़ रोड में कराई जा रही है, जिसमें बाबा बालकनाथ जी के सेवक तेजेंद्र पाल जी के निवास पे हमसर रियाद निजामी जी, मास्टर सलीम जी, सोनू प्रधान जी और बहुत अन्य कलाकार पहुंच रहे हैं, जो कि बाबा जी का गुणगान करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। मैं भी आ रहा हूं, आप भी आइए। जय बाबा बालकनाथ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी टांडा, वेव्स हॉस्पिटल टांडा और विजन केयर सोसाइटी द्वारा महंगा सिंह और कपिल वर्मा की याद में जरूरतमंदों के लिए मुफ्त आंखों का फ्री कैंप और राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष अवतार सिंह मसीती, डॉक्टर लवप्रीत सिंह पाबला और डॉक्टर केवल सिंह द्वारा करवाए गए समारोह में जहाँ जरूरतमंदों को कम्बल, राशन और सिलाई मशीनें बांटी गई, तो वहीं करीब 30 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें से 20 मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन हुआ और उन्हें मुफ्त लेंस भी दिए गए। इस अवसर पर समाज की सेवा के लिए डॉक्टर केवल सेवा अवार्ड का शुभारंभ किया गया। आज दा यह प्रोग्राम सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ते विजन केयर वेलफेयर सोसाइटी की मदद ना ही सालाना जिहड़ा कंबल वंड समारोह ते राशन वंड समारोह कर रहे हैं, जिहदे विच असीं जरूरतमंद लोगों नूं जिहड़े कंबल डिस्ट्रीब्यूट करांगे, ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੇਅਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। किसानों द्वारा दिल्ली में खेती कानूनों के विरुद्ध लगाए गए मोर्चे को जीतने के बाद निकाले जा रहे फतेह मार्च का जगह जगह पर इलाके के लोगों द्वारा फूलों की वर्षा करके शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान संत बाबा सेवा सिंह की अगुवाई में दुआबा किसान कमेटी पंजाब के सूबा प्रधान जंगवीर सिंह रसूलपुर की समूह टीम द्वारा निकाले गए फतेह मार्च दौरान गांव मूनका में गुरुद्वारा टहली साहिब में सेवादार भाई हरप्रीत सिंह और बाबा कुलदीप सिंह और समूह इलाका निवासियों द्वारा सम्मानित किया गया। जो किसान संयुक्त मोर्चे की फतेह हुई है, सब तो पहला इस अकाल पुरख सतगुरु नानक पातशाह, गुरु कलगीधर पातशाह, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का यह बख्शिश भरिया हथ अते किसानां दी दृढ़ता अते एकता का यह सबूत और उहदी जित, एकता की जित हुई है और सिरड़ की जित हुई है, सच की जित हुई है और सच दे नाल जिथे भी कोई दृढ़ता दे नाल खलोंदा हमेशा सच की जित हुंदी है। सो गुरु पातशाह रहमत खान अगाह नूं भी जो पिछले काफ़ी समय के साडे किसान दिल्ली दिया सड़कों पर अपनी जायज़ मंगा दिया हकों के खातर सड़कों पर बैठे से, अज उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा हुई है, जित उन्हां दी झोली दे विच पई आ। उस जित की खुशी में जो फतेह मार्च
ਪਿੰਡ ਮੂਨਕਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਨਕ ਕਲਾਂ ਮੂਨਕ ਖੁਰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।